जय हिंद दोस्तों, एसएसबी ट्रेड्समैन ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2020 के फिजिकल को लेकर काफी ज्यादा बैठते हुए कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि जब से ही दोस्तों एसएसबी ड्राइवर का फिजिकल शुरू हुआ था तब से ही दोस्तों ट्रेड्समैन वाले जो कैंडिडेट है उनके लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर कब तक हमारा फिजिकल प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर यही चल रही थी कि एसएसबी ड्राइवर का फिजिकल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी की ट्रेडों का फिजिकल भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी बीच दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल का फिजिकल बीच आ जाना और उनका फिजिकल बीच में शुरू होने की वजह से एसएसबी ट्रेड्समैन के जो बाकी के जो ट्रेड्स की आपकी वैकेंसीज है उनके फिजिकल शुरू नहीं हो पाए हैं। ऐसे में एक पोस्ट का फिजिकल होना और बाकी की पोस्टों का अभी तक फिजिकल नहीं होना और 2020 का रिक्रूटमेंट है और अभी 2022 चल रहा है तो काफी लंबा समय हो चुका है। ऐसे में काफी ज्यादा इंतजार हो रहा है रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को लेकर, तो यहां पर बात करने वाले हैं दोस्तों अब आपका फिजिकल कब तक होने वाला है, साथ ही दोस्तों आपको फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी कितना समय और लग सकता है। साथ ही आपका जो फिजिकल होता है दोस्तों वो ट्रेड्स वाइज होता है, अलग अलग ट्रेड वाइज आपका फिजिकल होता है, तो अब कौन सी ट्रेड का सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल होने वाला है तो इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से मिलने वाली है। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए और आगे आने वाली एसएसबी ड्राइवर और ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले छोटी सी जानकारी बता देता हूं, एसएससी जीडी 2023 का जो रिक्रूटमेंट है उसका भी दोस्तों यहां पर ऑनलाइन अप्लाई की डेट आ चुकी है, मतलब कैलेंडर एसएससी ने जारी कर दिया है। साथ ही अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से काफी अच्छी गाइड मार्केट में आ चुकी है, जिसमें दोस्तों संपूर्ण सिलेबस के हिसाब से इस गाइड को तैयार किया गया है, जिसमें आपको 300 वर्ड पेपर, 2800+ बहुविकल्पीय क्वेश्चन, साथ ही करंट अफेयर्स और सभी टॉपिकों को बारीकी से इस बुक में दर्शाया गया है। इसके साथ चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्क बुक भी आ चुका है, जी हां दोस्तों, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट, साथ ही 9 सॉल्व वर्ड पेपर और 3300+ बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी यहां पर आपको मिलने वाले। दोनों ही बुकें दोस्तों काफी महत्वपूर्ण और काफी अच्छी है, आप अभी जाके इन्हें ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एसएसबी फिजिकल के बारे में, तो सबसे पहले यहां पर आप देख लीजिएगा कांस्टेबल ड्राइवर, जिसमें 576 पदों पर आपका रिक्रूटमेंट था और फिजिकल सक्सेसफुल कंडक्ट करवा लिया गया। अब इसके बाद में जो बाकी की ट्रेड है उनका फिजिकल होना था, लेकिन उसी बीच दोस्तों एसएससी की तरफ से एसएससी जीडी कांस्टेबल का फिजिकल है वो शुरू हो चुका है। और फिजिकल की अगर बात करें तो दोस्तों 9 जून तक इन लोगों का फिजिकल चलने वाला है और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो आपकी सीआरपीएफ है, और सीआरपीएफ फिजिकल कराने से पहले सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ में मीटिंग करती है और ये निर्णय लिया जाता है कि सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज में एसएससी जीडी का जो कैंडिडेट है उनका फिजिकल करवाया जाएगा, क्योंकि जो वैकेंसीज आती है उसमें सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज की रिक्रूटमेंट होता है। तो इसी बीच दोस्तों जिस समय ये आपका रिक्रूटमेंट शुरू हुआ था उसके बाद में बाकी के जितने भी पैरामिलिट्री के डिपार्टमेंट के थ्रू जो रिक्रूटमेंट करवाए जाते हैं उन सभी को रोक दिया गया। लेकिन आप सभी को मैं बता देता हूं 9 जून को दोस्तों इनका जो फिजिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इनका फिजिकल कंप्लीट होने के बाद ही आप लोगों का फिजिकल शुरू हो जाएगा। और फिजिकल को लेकर मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि ड्राइवर का फिजिकल में बहुत ही ज्यादा बच्चे हैं वो अब्सेंट रहे थे, दूसरी बात जो बच्चे आए थे उनमें 50% से ज्यादा बच्चे हैं वो रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों इसका कारण था क्योंकि वो जो आपका फिजिकल की डेट का इंतजार कर रहे थे और एडमिट कार्ड उनका फिजिकल से मात्र 15 दिन पहले ही जारी हो गया, और ऐसे में उस कम समय में वो फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाए। और काफी गर्मियों के दिनों में आप सभी को पता है दोस्तों रनिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है क्योंकि आपके एडमिट कार्ड भी कभी भी जारी हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, एसएसबी ड्राइवर का भी आपने देखा होगा एडमिट कार्ड जारी हुए थे तभी पता चला कि हां इस तारीख से फिजिकल शुरू हो रहे, उससे पहले कंफर्म नहीं था कि इतनी तारीख से ही फिजिकल शुरू होगा। तो ऐसा ही आप लोगों के साथ में होने वाला है। अगर बात करें तो लेबोरेटरी असिस्टेंट और वेटनरी और साथ ही जो कांस्टेबल आया वाली जो कैंडिडेट है वो सभी तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आपका फिजिकल भी शुरू होने वाला है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपका फिजिकल ही शुरू होगा,
साथ ही अगर बात करें तो हो सकता है दोस्तों अलग अलग सेंटरों में अलग अलग ट्रेड का फिजिकल भी करवाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कहना अभी काफी मुश्किल है क्योंकि जब तक एडमिट कार्ड जब तक नोटिस नहीं आ जाता और नोटिस जिस दिन जारी होगा उसी दिन दोस्तों आपके एडमिट कार्ड भी ऑफिशियल साइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने सिलेबस और फिजिकल प्रोसेस में क्या क्या होगा ये जानकारी नहीं देखी है तो इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां जाके आप पूरी जानकारी देख सकते हैं, सिलेबस वगैरह यहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।